कोरोना संक्रमण के बीच धनबाद के लिए एक अच्छी खबर आई है। धनबाद जिले के सदर अस्पताल को आज से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया गया। सदर अस्पताल में कोविड को देखते हुए आईसीयू के 60 बेड और नॉन आईसीयू के 40 बेड बनाए गए हैं। डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ सभी को धनबाद के टाउन हॉल में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी गई। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि धनबाद में ऑक्सीजन की अब कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की एक खेप आज सदर अस्पताल पहुंच गई है। साथ ही साथ आईसीयू बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन से भी जोड़ दिया गया है। धनबाद के सिविल सर्जन गोपाल दास ने जानकारी देते हुए बताया है कि सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। मेन पावर की पूरी तैयारी की गई थी। आईसीयू सहित नॉन आईसीयू बेड भी तैयार की गई है। टेस्टिंग भी धनबाद जिले में बढ़ाई जा रही है। सदर अस्पताल, रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य स्थानों पर टेस्ट को बढ़ाया जाएगा। वहीं रिपोर्ट में देरी के सवाल पर टेस्ट रिपोर्टिंग को की पेंडिंग को लेकर 2 दिनों का बैकलॉग भी फिर से चालू कर दिया गया है। अब रिपोर्ट 1 दिन में ही आ जाएगी। RT-PCR और रैप के द्वारा टेस्ट को बढ़ाया जाएगा। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। कल हमारे यहाँ पर 60 बेड का आईसीयू और 40 बेड नॉन आईसीयू सदर अस्पताल में इनोग्रेशन होगा, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे मेडिकल पैरामेडिकल जितना भी डॉक्टर सब है, सबका ट्रेनिंग है 12 बजे से टाउन हॉल में। इन लोग को लाइनअप कर दिया जाएगा कि किस तरह पेशेंट को टैकल करना है, किस तरह से प्रोटेक्शन करना है और कितना भी मतलब मुसीबत आवेगा, ऑक्सीजन जैसे सप्लाई करना है, सब कुछ करना, सारी चीज़ का ट्रेनिंग आज दिया जाएगा। और हमारे यहाँ सिलेंडर भी बहुत जम्बोजेट भी 100 करीब आ चुका है और ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी काम शुरू हो गया है। और बाकी जितना भी मैन पावर जो भी है हमारे सब तैयार हैं। हम लोग हमारे जिला में अब हमारे बेड हो जाएगा करीब 170 बेड हो जाएगा, आईसीयू बेड हो जाएगा। अब है कि हम लोग उसको टैकल कर लेंगे, अब ऑक्सीजन का भी कमी दूर कर दिया जाएगा, पेशेंट का एडमिशन भी सही तरीके से होगा। तो है जाँच हम लोग हर जगह पे करा रहे हैं, GAC लेवल पे करा रहे हैं। हमारे सदर अस्पताल में जांच हो रहा है, हमारे रेलवे जो स्टेशन है वहाँ पर जांच हो रहा है और जहाँ भी गैदरिंग हो रहा है, जहाँ भी बहुत सारी समिति है, लोग भी मांग किया है कि हमारे यहाँ भी जाके जैसे हम लोग कचहरी में जाँच करवा रहे हैं, अभी देख रहा है कि जेल में भी जो भी कैदी है उनको भी जाँच करना है, तो हम लोग सारे को लाइनअप कर रहे हैं और हमारा मैक्सिमम जाँच हो रहा है और मैक्सिमम पेशेंट भी जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको हम लोग चाहे तो होम क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन पर पट्टी करवा। तो इसमें जो बीच में कुछ बैकलॉग हो गया था तो हमारे स्टेट से एक इंस्ट्रक्शन आया था कि 2 दिन हम लोग RT-PCR बंद करके जो भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर लेना है। अगर ये लोग नहीं करें तो हम लोग फैलो केयर को भी भेजे हैं, वो सैंपल जगह जगह से भेजा गया है, उसका बैकलॉग पूरा कर दिया गया। अब हमारे यहाँ RT-PCR रैप टेस्ट हो रहा है रेलवे में और RT-PCR का भी हम लोग जो सैंपल भेज रहे हैं उसको 1-2 दिन के अंदर ही उसका रिपोर्ट आ जाए। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है
उसके गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकले, आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है, घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।